इस तरीके से जंगल का कुछ नज़ारा कुछ व्यू दिखता है बिल्कुल, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। जो देखिए इसमें इसमें जो वन विभाग का बिस्तरा वाला है, इसमें जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे रुकते हैं अक्सर, और यहाँ पे इनके गेट है जो अधिकारी लोग आते हैं, ऊपर इनकी शेड बना हुआ है। तो इस तरीके से वन विभाग का यहाँ पे माला वन विश्राम माला रेंज के अकॉर्डिंग आता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और बहुत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं जानवरों का यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है। फिर घने जंगल में हम आ चुके हैं, और इस तरीके से रोड काफ़ी सुंदर है बिल्कुल, एकदम चमचमाता हुआ एलिफेंट दिख रहा है, बिल्कुल एलिफेंट की राइड कर रहे हैं। और यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अगर हाथी वगैरह निकल जाए तो मतलब टाइगर वगैरह निकल जाए तो हाथियों से फिर इस तरीके से घूमते हैं, और उसके बाद जाके ये देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल, ये एलिफेंट है बड़े बड़े दो। और जब भी टाइगर वगैरह निकलता है जो खेतों की तरफ चला जाता है तो इस हाथी को लेके फिर टाइगर वगैरह ढूंढा जाता है, और इस तरीके से गश्त करते रहते हैं, और पैरों में जंजीर भी लगा हुआ है बिल्कुल, और इस तरीके से इसको आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और मैं पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का जो ये जंगल है ये काफ़ी ख़तरनाक जंगल है, और मैंने पता किया है इस तरीके से बताऊँ तो, और चारा जो जानवर खाते हैं हाथियों के लिए फिर इसी से ही लाते हैं, और काफ़ी सारे और भी एनिमल्स हैं लेकिन इस तरीके से जाना पड़ता है डेली। और काफ़ी बड़े बड़े दो, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पर आके, और इनको पानी पिलाने के लिए इस तरीके से एक ट्यूबवेल सा भी बना रखा है, और अभी बस यूं ही अपने सूंड से देखिए पानी पी रहा है बिल्कुल। लेकिन और इस तरीके से बांस के बेड़े भी लगा रखा है ताकि जो जंगली जानवर है रात को इसके अंदर ना जा सके। फिर आगे की तरफ भी और भी काफ़ी सारे फेंसिंग लगा हुआ है, और इस तरीके से पानी पिलाने के लिए गए हुए हैं। और पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की बात करूँ तो इस वक्त मैं माला रेंज में हूँ, और काफ़ी ख़तरनाक होता है ये जो जंगल है, यहाँ से रात को ना सफ़र करना काफ़ी रिस्की रहता है, और जानवर किसी भी वक्त अगर बात करूँ मेनली तो टाइगर निकलता है यहाँ पे, और टाइगर सीधा काफ़ी ख़तरा रहता है। तो इसीलिए मना करते हैं कि रात के समय यहाँ से ड्राइव वगैरह ना किया जाए, और यहाँ पे वन विभाग वाले भी मना करते हैं, लेकिन अगर बंद गाड़ी हो तो वही यहाँ से जा सकता है, वरना यहाँ से रात के समय साइकिल या बताओ पैदल या फिर बाइक से यहाँ से कोई भी पैसेंजर हो या कोई भी हो तो यहाँ से सफ़र नहीं करते हैं, काफ़ी ख़तरा रहता है। और इस जंगल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इस जंगल में टाइगर ही टाइगर देखने को मिलता है, और हमें काफ़ी डर भी लग रहा था, काफ़ी ख़तरनाक है। और इस तरीके से एलिफेंट से फिर अगर जो किसानों के खेत की तरफ और गाँव की तरफ अगर टाइगर चले जाते हैं तो इस तरीके से इसी एलिफेंट के द्वारा हाथी के द्वारा यहाँ के जो वन विभाग के कर्मचारी होते हैं फिर टाइगर को ढूंढते हैं। तो इसी के लिए मेनली रखा हुआ है माला रेंज में। यहाँ पे अभी तक हमें तो दो ही हाथी देखने को मिल रहा है, शायद और भी होगा। और इस तरीके से इसमें मोटर पंपिंग से पानी को भर के रखते हैं, फिर इसको ही हाथी को पिलाया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का जोन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये माला रेंज है। और गाड़ियों की रफ़्तार देखिए, हर कोई यहाँ से जो जाता है तो काफ़ी स्पीडली निकलते हैं। तो इस तरीके से देखने को मिलता है, मैं थोड़ा करीब जाने की करूँगा कोशिश, और बताऊँ तो मैं बिल्कुल अभी थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि वो हाईवे मेन रोड है जंगल, तो इस तरीके से लोग देखते हैं जिनने हाथी कभी देखा नहीं है, और मैं तो ये दूसरी टाइम देख रहा हूँ क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैं फ़र्स्ट टाइम देख चुका था। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी इनके लिए शेड बना रखा है, काफ़ी सारे जंजीर लगे पड़े हैं, और इस तरीके से डर भी लगता है काफ़ी, और हमें कह रहे हैं कि दूर हट जाइए क्योंकि काफ़ी ख़तरा है, क्योंकि एकदम भाग के भी आ सकते हैं, दांत देख सकते हैं, और इसीलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से शेड भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है, और इसीलिए मना करते हैं क्योंकि जंगली हाथी है तो उनको जंजीर वगैरह बांध के रखा जाता है, क्योंकि किसी के ऊपर हमला कर सकता है, हमारे ऊपर भी कर सकता है, इसीलिए मेरे को कहा है कि थोड़ा सा दूर रहिए नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। और इस तरीके से देख सकते हैं इसके दांत, देखिए कितने वाइट वाइट कलर के हैं, काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी बड़ा है, एकदम सूंड को मोड़ दे रहे हैं। और जंजीर की लंबाई लेंथ देखिए जंजीर की। तो इस तरीके से पालतू हाथी को भी, जो जंगली हाथी होता है उनको पालतू बनाना काफ़ी रिस्की रहता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये वन विभाग का यहाँ पे चेक पोस्ट भी है, ऑफिस भी बना रखा है, और इस तरीके से शेड है जो कि बारिश के वक्त या बताओ तो ठंड के समय भी या गर्मी के समय यहाँ पे अधिकतर इनको बांधा जाता है, अलग अलग से इनके
बांधने के लिए पिलर वगैरह अभी लगा हुआ है। तो इस तरीके से पानी पिलाने के बाद फिर आगे की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ इनके रहने के लिए जगह बना हुआ है अलग से। तो इस तरीके से प्लीवी टाइगर रिजर्व में आया हूँ और यहाँ पे आके पहले ही मेरे को हाथी देखने को मिला। इसके दांत पर छोटे छोटे हैं, उस वाले के जो दांत थे काफ़ी बड़े थे। और ये देखिए सूंड कैसा कर रहा है, पर मैं इसके करीब नहीं जा सकता, मेरे तरफ देख रहा है बड़े बड़े आंखें करके और देखिए मेरे इधर ही आने का कोशिश कर रहा है मुझे देख के। तो मेरे को सीधा यहाँ से इधर भाग के निकलना पड़ेगा इस रोड की तरफ। अब देखिए ये यू, अब देखिए मुँह को कैसे खोला है बिल्कुल, और पूरा एडवेंचर देखिए देखिए क्या कर रहा है दांत से बिल्कुल। शायद मेरे आवाज़ को सुन के भी ऐसा कर रहा होगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अगर हमारे तरफ भागता है तो हमें भी भागना पड़ेगा काफ़ी स्पीडली यहाँ से, नहीं तो हम बच नहीं सकते हैं, इतना खतरनाक। देखिए देखिए इसकी करतब, देखिए आवाज़ भी निकाल रहा है। और इसीलिए मना करते हैं कि प्लीवी टाइगर रिजर्व में कभी भी आए तो काफ़ी ध्यानपूर्वक यहाँ से चलना चाहिए। टाइगर किसी भी वक्त यहाँ पर निकल सकता है, मेनली उन्हीं के लिए इन हाथियों को रखा गया है यहाँ पर कि कोई दिक्कत हो या टाइगर कहीं किसी को हमला कर दे तो वहाँ पर जाना नामुमकिन है। तो इस तरीके से हमने कर्तव्य भी दिखा दिया और मैं इसके करीब नहीं जा सकता बिल्कुल। अब भी रुक रहा है मेरे को, मेरी जो बॉयस उसके बहुत ही करीब पहुंच जा रहा है। देखिए इस तरीके से ये जाना ही नहीं चाह रहा है, लग रहा है वहां से घूम जाएगा क्योंकि बॉयस मेरा वहां तक, देखिए देखिए कैसा कर रहा है। तो इस तरीके से एलिफेंट भी देखने को मिला आज यहाँ पर आके, और एलिफेंट का कर्तव्य तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस जंगल में। देखिए कितना वीरान है जंगल, बिल्कुल सुनसान एकदम रोड यहाँ से निकला है और यहाँ से सीधा पीलीभीत की तरफ भी जा सकते हैं और इस रोड से भी जा सकते हैं आगे भी पीलीभीत के लिए। और बीच में एकदम बिल्कुल मिडिल में कहूँ तो यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पे बाघ कैसे अटैक करता है। अरे बाप, जाने का टाइम तो ऐसे मोटरसाइकिल में पकड़ लेता है वो। अच्छा, देखने का सीजन शाम को 4 बजे आओ, देखे हिरन कितना हिरन, कितना हिरन होगा, कितना होगा लगभग 150 हिरन आएगा ये रोड पे। अच्छा, हिरन सारे हिरन है या चीतल है? हिरन है, दोनों तीनों पद है। अच्छा अच्छा, ये रोड पे रहेगा। अच्छा अच्छा, देखने का आदमी कितना आदमी खड़ा होकर देखता है। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? मेरा न्यूरिया कॉलोनी है। न्यूरिया कॉलोनी। अच्छा, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो आप? ये माला कॉलोनी जा। तो डर नहीं लगता इस जंगल से, आप इस जंगल को क्रॉस करोगे? शाम को नहीं जाना चाहिए ना? जाना चाहिए शाम को? ना ना, बिल्कुल नहीं, बंद गाड़ी में जाओ कोई बात नहीं है। अच्छा, बाइक वगैरह में नहीं जाना चाहिए शाम को? दो तीन आदमी तो सुबह के वक्त भी, तो अभी तो निकल सकता है जानवर? अभी नहीं निकलेगा ये, अभी नहीं निकलेगा, शाम को पक्का? कितने बजे के बाद नहीं आना चाहिए? वो यही 6 बजे के बाद। अच्छा, 6 बजे के बाद नहीं आना चाहिए। और कौन कौन सा एनिमल देखने को मिलता है यहाँ पे अक्सर? हिरन वगैरह, शेर वगैरह दिखाई देता है किसी किसी। अच्छा अच्छा, शेर दिखाई देता है यहाँ पे? शेर तो नहीं होगा, शायद टाइगर होगा इसमें ज्यादा। तो टाइगर ही तो। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइगर ही होता है। अच्छा, ना लायन होता है शेर, टाइगर होता है चीता, चीता होगा इस जंगल में ज्यादा। कॉलोनी का आदमी कितना आदमी खा गए, कितने आदमी को इस हर सीजन में, कितने लगभग? एक दो तो चले ही जाता है। इस बार भी चला गया है? इस बार भी चले गया, मतलब खेत में जाके पकड़ते होंगे? खेत में। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से खेत लोगों के नजदीक है, जंगल के करीब है? अच्छा, तो इस तरीके से बताओ तो यहाँ पे जो किसानों के खेत है, किसान लोग खेत में आते हैं तो काफी रिस्क भरा रहता है। तो इसीलिए मैंने आगे की तरफ देखा है, इस जंगल में काफी सारे फेंसिंग भी लगा हुआ था कि जानवर इस तरफ ना आए, क्योंकि शाम के वक्त इस जंगल में यहाँ से जाना काफी रिस्क भरा रहता है। तो इस तरीके के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आके रियली कहूँ तो काफी खतरा महसूस होता है, और सिंगल कभी भी नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे या फिर सफारी करने के लिए बंद जिप्सी हो या बड़ी बंद गाड़ी हो तो वही काफी उसके द्वारा अगर यहाँ पे आया जाए तो कोई रिस्क नहीं रहता है, वरना काफी खतरा भरा रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आते हैं तो इस तरीके के जानवर देखने को मिलता है तो अपने आप में बंदा एक्साइटेड हो जाता है और काफ़ी सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट टाइम इस जंगल में आया हूँ और मेरे को आज ही एलिफेंट भी देखने को मिला। तो यहाँ पे किसी से भी पता करेंगे तो हर साल यहाँ पे 2 से 3 लोग, या आप बताओ तो काफ़ी मतलब जनमानस की भी हानि होती है और जानवर अटैक भी कर देते हैं, क्योंकि आदमखोर भी हो जाते हैं फिर कुछ जानवर ऐसे, तो उनको अटैक भी कर देते हैं खेतों में, किसान लोग आ जाते हैं तो उनकी फिर मौत भी हो जाता है। तो वन विश्राम भवन और काफ़ी सारे बोर्ड इस तरीके से लगा हुआ है और इस तरीके से जंगल का नज़ारा दिखता है काफ़ी सुंदर। और लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से बताओ पूछोगे तो उनको काफ़ी रिस्क, काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जंगल है तो क्या हुआ, लेकिन काफ़ी रिस्क भरा रहता है। शाम के वक्त इधर आ नहीं सकते हैं, रात के समय जंगल के साइड से जा नहीं सकते हैं क्योंकि जानवर किसी वक्त दस्तक दे सकता है। और सिंगल नहीं आना चाहिए, बंद गाड़ी से ट्रेवल करो तो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरीके से जंगल भी है। और यहाँ पे बताओ तो सागौन के पेड़ इस जंगल में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन सागौन के ज़्यादा है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है और काफ़ी अच्छा लगा
एलिफेंट देखते हुए काफ़ी उसकी जो करतब देखते हुए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू और काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं कहूँ तो जिस जगह में आज हमने एलिफेंट देखा है बिल्कुल पीलीभीत से अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूँ लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको इस तरीके से हाथी देखने को मिलेगा। जब भी आप माला रेंज के जंगल में प्रवेश करेंगे एक कॉलोनी पड़ता है उस कॉलोनी की तरफ से और इधर माला रेंज स्टार्ट हो जाता है। माला रेंज की तरफ से आएंगे रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद फिर आप हाथी की राइड यहाँ पे देख सकते हैं जो वन विभाग के लोग यहाँ पे करते हैं। और शाम के समय चीतल वगैरह हिरन वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको पानी भी पिलाना होता है और पानी यहाँ पे है तो जानवर अपने आप आ जाते हैं। यहाँ पे एक तालाब भी बना हुआ है तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है काफ़ी सुंदर लगा मुझे आज यहाँ पर। तो इस तरीके से पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कभी भी आते हैं आवाज़ भी निकल रहा है उधर की तरफ हाथी आगे की तरफ चला गया है क्योंकि यहाँ पर आना अलाउड नहीं होता है, फिर भी हम इधर से आगे की तरफ पानी पिलाने के लिए आए थे तभी हम यहाँ पर आ सके। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा यहाँ का लोकेशन है लेकिन दिन में ही घूमने के लिए होता है, रात के समय बिल्कुल यहाँ पे आना अलाउड नहीं होता है। हाथी या बताऊँ तो मेनली टाइगर का खतरा है, यहाँ पे किसी के ऊपर झपट मार सकता है और हम भी काफ़ी रिस्क लेके यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरे को भी काफ़ी डर लग रहा था कि मेरी तरफ देखिए कितना देर तक एलिफेंट मुझे देख के रुक गया। वन विश्राम भवन माला रेंज यहाँ पे अगर अथॉरिटी ना हो तो इसके अंदर जा भी नहीं सकते हो, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अकॉर्डिंग आता है ये और काफ़ी सुंदर यहाँ का लोकेशन है, यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे आते हैं तो इसमें अक्सर टाइगर तो देखने को ही मिलता है पर अब हम आगे की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिला है एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाय।